सरकारों से एक बात पूछना चाहूँ। वर्तमान सरकार नहीं, जब से इस राज्य का गठन हुआ है, पहली निर्वाचित सरकार तिवारी जी के नेतृत्व में जो बनी, तब से लेके आज तक पत्रकारों के हितों के लिए कौन सी जन कल्याण योजनाएं सरकारें लाई? आज तक मुझे सरकारें बता दें, क्या एक भी योजना पत्रकारों को लाभ पहुंचाने के लिए, उनके परिवारों को लाभ पहुंचाने के लिए, या पत्रकारों की विपदा की स्थिति में उनकी मदद करने के लिए सरकारों ने ऐसे कौन से कदम उठाए जिनसे एक भी पत्रकार लाभान्वित? आपको सरकार की योजनाएं जनता तक पहुंचानी है, आपको अपना चेहरा चमकाना है, आपको अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस कवर करानी है, आपको हर स्थिति में पत्रकार चाहिए। लेकिन जब पत्रकारों के बात आती है, जब भी पत्रकारों के भविष्य की बात आती है या उनसे संबंधित सुविधाओं की बात आती है, तो हर सरकार दरकिनार हो जाती है, किनारा कर लेती है। मैं ये जानना चाहता हूं कि पिछले इतने समय से, 1.5 साल मुझे हो गया इस सदन में सवाल लगाते हुए, कि पत्रकारों के जीवन बीमा और आवास पॉलिसी, ये दोनों योजनाएं आप कब लागू करेंगे? सरकार जवाब देने को तैयार नहीं है, सरकार सदन में इस मामले पर बात करने को तैयार नहीं है। मेरा माननीय मुख्यमंत्री जी से, पुष्कर सिंह धामी जी से निवेदन है, आप पत्रकारों के साथ आपके बहुत अच्छे संबंध हैं, आप कम से कम पत्रकारों के लिए नीति लेकर आए, उनके लिए आवास पॉलिसी को लागू कराएं, उनकी जीवन बीमा पॉलिसी को लागू कराएं। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप मेरी बात सुनेंगे, इन पत्रकारों की बात सुनेंगे। इसके अलावा इस सदन में मैं सुरक्षा कर्मियों से और सदन के सभी सदस्यों से और विधानसभा स्पीकर से निवेदन करना चाहता हूं कि पत्रकारों के साथ बदतमीजी ना की जाए इस प्रांगण में, उनके साथ अक्सर देखने में आता है कि धक्का मुक्की की जाती है, वो अगर जीना चढ़ जाए तो उन्हें पीछे धकेलने से लोग बाज नहीं आते। तो मैं सभी अधिकारियों से ये कहना चाहता हूं कि कृपया करके पत्रकारों के साथ अमानवीय व्यवहार बिल्कुल ना करें, सम्मानित तरीके से पेश आए। ये विधानसभा के परिसर में अक्सर देखने को मिलता है, कहीं पर बैरिकेड्स लगा दिए जाते हैं, कहीं पर सिक्योरिटी चेक लगा दिया जाता है पत्रकारों के लिए, और पूरा दिन वो इस प्रांगण में बैठे रहते हैं, उनके बैठने तक की व्यवस्था नहीं है। तो मैं सरकार से कहना चाहता हूं कि उनके पानी पीने की व्यवस्था, यहां पंखों की व्यवस्था और बैठने के लिए उनके यहां व्यवस्था की जाए, ये बहुत ही जरूरी व्यवस्थाएं हैं और मुझे उम्मीद है कि तत्काल करी जाएंगी। और जो विधानसभा के सिक्योरिटी सुरक्षा अधिकारी हैं, उनसे भी कहना चाहता हूं कि पत्रकारों के साथ सभ्यता से और शालीनता से पेश है। धन्यवाद।